गोल्डन बाबा का नाम कौन नहीं जानता। इस बार 26वीं कावर लेकर गोल्डन बाबा हरिद्वार से गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद में बात करते हुए गोल्डन बाबा ने कहा कि पिछले साल उन्होंने सिल्वर जुबली मनाई थी और उसके बाद यह सोचा था कि अब वह कावड़ लेने नहीं जाएंगे, लेकिन शिव भक्तों की पुकार और प्यार के चलते बाबा ने इस बार फिर से कावड़ लाने की ठानी और जल लेकर हरिद्वार से चल दिए। तबीयत सही न होने के चलते इस बार गोल्डन बाबा ने पहले से कम सोना पहना हुआ है। गोल्डन बाबा ने बताया है कि हर साल वह 21 किलो सोना पहनते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 16 किलो सोना ही पहना है, जबकि उनका उद्देश्य 51 किलो सोना पहनकर कावड़ लाना था। अपने पूरे जत्थे के साथ गोल्डन बाबा गाजियाबाद होते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा में उनके स्वयं और पुलिस प्रशासन द्वारा 50 लोगों की टीम लगी हुई है। बाबा जी, आप जो हरिद्वार से आए हो, अभी तक कितनी कावड़ लेके आए हो और कब तक जाओगे? ये हमारी 25 कावड़ हो चुकी है, 26वीं कावड़ है। इससे पहले मैं 25 कावड़ ला चुका हूँ। लास्ट टाइम मैंने सिल्वर जुबली मनाई थी 25वीं कावड़ जी। और अभी तक हरिद्वार में आने जाने में आपको कितने दिन और कितना समय लग चुका है? हम 8वें दिन पहुँच रहे हैं, 7 दिन हो गए हमें, आज दिल्ली पहुँच जाएंगे रात को। दिल्ली में तो पहले से ज़्यादा गोल्ड कम पहन रखा है या ज़्यादा पहन रखा है? इस बार थोड़ा कम करा है जी, हमारे गले के जो ऑपरेशन हुए हैं कंडीशन ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने भी कुछ एडवाइस दी है, थोड़ा कम कर रखा है, अभी 15-16 किलो कम।